हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? सब बढ़िया होंगे और दिन भी बहुत अच्छे से जा रहा होगा। अगर नहीं जा रहा तो फिर करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छे से जाए। आप लोगों को बता दे चुका हूँ मेरा दोस्त आ रहे हैं, तो आज ही वो लोग पहुँचने वाले हैं। एंड सैकत एंड रिपन, सैकत फ्लाइट पकड़ के त्रिपुरा पहुँच गए। एंड रिपन का आज जाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका जो कॉलेज है वहाँ पे मतलब अटेंड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो दोनों चले गए। हम लोग भी ये रूम चेकआउट कर देंगे। दूसरा होम स्टे मिला है वो लोग के लिए, जो दोस्त आ रहे हैं वो लोग देखे थे, थोड़ा चीप कॉस्ट में, उससे इससे सस्ता में। ये 500 करके पर हेड पड़ रहा था एंड दैट विल बी 350 समथिंग पड़ रहा था पर हेड। तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे अभी, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन पीछे देखो, कुछ दिख रहा है? ये सब पूरा क्लाउड से भर गया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर दिख रहा है लेकिन ये पूरा क्लाउड से भर गया है। तो अभी पहले बाहर जाते हैं, चाय वाय पीते हैं, चेकआउट करते हैं, फिर होम स्टे की तरफ निकलेंगे। तो अभी अभी जस्ट इस होम स्टे पे पहुँचा हूँ एंड आप देख सकते हो यहाँ पर होम स्टे कैसा है। हम लोगों को जो रूम मिला है मैं दिखाता हूँ। एक रूम मिला है एंड देन ये वन, अभी जो साफ सफाई हो रहा है, टू वन, ये दो रूम मिला है हमें। और यहाँ से आप लोग व्यू एंजॉय, ओफ 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 नज़ारा देखो कितना अच्छा हो रखा है। सो लेस टाइम फॉर टाइमलेस। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे हैं, वो लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, थोड़ा टाइम लगेगा उनको पहुँचने में क्योंकि बारिश हो रहा है। इस साइड में बारिश हो रहा है, क्या पता रास्ते में बारिश उनको मिला है कि नहीं मिला है, शायद थोड़ा बहुत मिला होगा तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। नहीं तो यूजुअली 12-12:30 तक पहुँच जाना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे। कोई बात नहीं, आप लोगों को एक काम करता हूँ, जो रूम, दो रूम हम लोगों ने बुक किया था वो दो रूम आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसा है क्या नहीं है। दो रूम हम लोगों ने बुक किया है पर हम लोग 11 लोग हैं, तो उन्होंने पर नाइट पर पर्सन 350 करके है। तो 11 लोगों के हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा लो कितना होगा फिर एक रूम। ये वन रूम है, मतलब रूम नंबर वन। यहाँ पे दो बेडरूम है, उसको आप ये हटा के साइड में लगा के दो की जगह 3-4 लोग सो सकते हो। अगर बॉयस हो तो साथ में तो आराम से सो, 4 लोग तो आराम से सो सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये व्यू है, कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से मिलता है। और यहाँ पे ओ थैंक यू सो मच गर्म पानी और चाय वाय बनाने के लिए। यहाँ पे सारे इंक्रीमेंट है। नीलो इधर आ, वी हैव अ सरप्राइज, वी हैव द कैटल, वी कैन मेक टी एंड व्हाट एवर वी वांट। ओके, हम लोग वहाँ से शॉपिंग करके चाय पत्ती लेके आएंगे। कप है, शुगर वुगर सब है, बस उबल के गर्म पानी से ये करना है, चाय बनाना है। एंड दिस इज द मेन व्यू। तो यहाँ से होता है तुम्हारा अच्छा सा व्यू, ओहो हो लवली व्यू। यहाँ से निकालने के बाद सीधा यहाँ पे दूसरा रूम लिया है। आप लोग अगर ये, हम लोग अगर रूम नंबर 2 खाली रहता तो हम लोग रूम नंबर 2 बुक कर लेते, लेकिन खाली नहीं था, कोई नहीं, हम लोग को दूसरा अपार्टमेंट दिया हुआ है। तो ऐसे आने के बाद ये है दूसरा अपार्टमेंट। यहाँ पे मतलब सब है, टीवी, डाइनिंग टेबल, किचन, फ्रिज, एवरीथिंग वी हैव। बाथरूम, दिस इज बाथरूम, दिस इज वन सिंगल बेडरूम, वी हैव एक्स्ट्रा मैट्रेस। तो ये है वन, ये है टू, रूम नंबर 2 एंड दिस इज रूम नंबर 3। दिस इज मास्टर बेडरूम प्रोबेबली, यहाँ पे डबल बेड है तो दिस इज गुड। और यहाँ से तो छोटा सा बेलकनी दिया लेकिन वो अभी अटक गया है, सामने बिल्डिंग बन गया। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे एवरीथिंग वी हैव, बर्तन से ले के सब कुछ। मुझे ये मतलब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लगा, बेस्ट। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं वो लोग आने के लिए। यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला गुस्सा, यहाँ पे ये देखो कैसे भाग रहे ये लोग। अभी अभी जस्ट पहुंचे, रूम डिसीजन के लिए फाइट करेंगे। ये रूम उन लोगों को उतना पसंद नहीं है, व्यू नहीं है, तो अभी ये रूम लेके इतना गंदा फाइट कर रहे हैं भाई साहब। एक बात बता देता हूँ, आप जब भी आइसोला होगे, बस से आओगे तो आपको बस स्टैंड में उतरवा दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग थोड़ा दूरी पे, मान लो कि 400-500 मीटर दूरी पे आपको मिल जाएगा एक दिल्ली ढाबा करके, वहाँ पे खाना थोड़ा ठीक ठाक है, मुझे ठीक ठाक लगा जितना देर तक, इतना दिन तक मैंने खाया। तो वहाँ पे खाने के बाद 400 रुपये करके टैक्सी लेते हैं यहाँ पे पहुँचने के लिए। इस लोकेशन का नाम बोलते हैं जोतलैग,
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस लोकेशन का नाम बोलते हैं ज्योतिलैंग। वहाँ पे आओगे तो टैक्सी 400 रुपये करके लेते हैं। अभी रात को लगभग 10 बज रहे हैं। वो लोग बहुत टायर्ड थे, आए थे, फिर थोड़ा खाना वाना खाए, मतलब सामने ही जाके फिर सो गए थे। और मैं मतलब आज का दिन भी कुछ नहीं किया हूँ, क्योंकि वो लोग जिस पॉइंट पे जाने के लिए सोचे थे, वो लोगों के पास व्हीकल नहीं है, बाइक नहीं है, ना ही स्कूटी रेंट पे ली है। आए भी तो बस लेट था, 3 बजे के आसपास आए। तो आज का दिन बस रेस्टिंग ही था। तो कल निकलेंगे, कल जहाँ लालसा बुंगा जो पार्क है, जहाँ पे हम लोग गए थे, जहाँ पे हैंगिंग ब्रिज है, वहाँ पे हम लोग निकलेंगे। फिर देखते हैं क्या सिचुएशन होता है, उन लोग को घुमाएंगे थोड़ा, जो जो जगह मैं देखा था वो जगह दिखाएंगे। गाड़ी वाड़ी सब बुक हो चुका है। तो आज ब्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि आप सभी को छोटा सा ब्लॉग बना, लेकिन कोई नहीं, जो भी बना आप लोगों से शेयर किया, आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड कल के लिए थोड़ा वेट करो, अच्छा अच्छा ब्लॉग आएगा तो थोड़ा प्यार देना। एंड मिलते हैं कल नया ब्लॉग नया कंटेंट के साथ।